मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित ओ पाजी रेस्टोरेंट जो कि दिल्ली के स्वाद पर बनाया गया। इसका शानदार उद्घाटन बॉलीवुड की अभिनेत्री व इंडियन शकीरा के नाम से फेमस एक्ट्रेस पीयू चौहान के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे, वहीं मनपसंद खाना और मनपसंद एक्ट्रेस दोनों अगर मौजूद रहे तो खाने का लज्जत और भी बढ़ जाता है। वहीं फिल्म अभिनेत्री पीयू चौहान ने छोला भटूरे, पानी पूरी, लस्सी और कई व्यंजनों का खाके स्वाद का लुत्फ उठाया। साथ ही इंडियन शकीरा के नाम से प्रसिद्ध एक्ट्रेस पीयू चौहान ने मीडिया से बातचीत कर स्वाद का जमकर तारीफ की और कहा कि दिल्ली का पूरा टेस्ट अब मुंबई के ओ पाजी में मिलेगा। साथ ही रेस्टोरेंट के संचालक अमित जी को अपनी शुभकामनाएं दी और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं पीयू चौहान आपकी अपनी इंडियन शकीरा एंड ओए पाजी जो दिल्ली का स्वाद है वो अपने आप में बहुत ही मशहूर और बहुत ही अमेजिंग फील है इसका। और एक एक डिश हमने यहाँ पे टेस्ट की है, छोले भटूरे हो गए एंड पानी पूरी हो गई, पनीर भुर्जी पराठा एंड आलू टिक्की एंड लस्सी, तो ओ माय गॉड सुपर्ब, ऐसी लस्सी पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग फूड। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम माई सोल इज अ फुली सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हम दिल्ली के जो पहाड़गंज के फेमस भटूरे हैं, हम वो स्वाद यहाँ पे मुंबई में देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत स्पेशल है। इसकी काफ़ी सीक्रेट रेसिपीज़ है जो अब हाँ मुंबई मुंबई का लोगों को भी खाने को मिलेगा। सो आई होप सब लोग पहाड़गंज के फेमस, यस हाँ जी हाँ जी, लोकेटेड गोरेगांव ईस्ट स्टेशन के पास में सोनावाला लेन, बैंक अपोजिट टू उद्योग भवन। यस यस यस, इजीली पब्लिक रीच कर सकती है। और यहाँ पे ये पूरा जो एरिया इन्होंने जो कवर किया है ये पूरा ऑफिशियल है एंड ये लाइक यू नो गोरेगांव इसका स्टेशन है तो क्राउड का आना जाना लगा रहता है और ये दिस इज वॉकिंग बहुत अच्छा है, वॉकिंग बहुत अच्छा है। जैरिस लेन में अच्छा ऑप्शन नहीं था जो हम लेके आए हैं, तो अब लोगों को अच्छा खाना और दिल्ली का स्वाद जरूर इसमें जो स्पेशल एक दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो लस्सी वो इज अमेजिंग, एक्चुअली रियली बोलूँ तो पूरे मुंबई में कहीं नहीं था। एंड सेकंड थिंग पालक चाट, हाँ जी हाँ जी, पालक पत्ता चाट है, पालक पत्ता चाट करेक्ट, हाँ जी पालक पत्ता चाट इज डिफरेंट डिश, वो मैंने कभी नहीं टेस्ट किया। सो यहाँ पे अभी खाया तो लाइक यम्मी सुपर। यस 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 यस, ये ओए पाजी दिल्ली का स्वाद जो रेस्टोरेंट है इन ये साइली और मोनाज, मोनाज और साइली, मोनाज एंड साइली का है। सो मीट प्लीज, हमें पानी पूरी खाते समय बहुत हैप्पी सब के साथ का पता था, तो क्या कहना चाहिए, कितने शौकीन है पानी पूरी। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि हम ज़्यादा ऑयली और ये सब चीज़ें नहीं खा सकते, बट पानी पूरी आई लव, जहाँ की भी पानी पूरी थी, एनी स्टेट, चाहे कलकत्ता है, दिल्ली है, राजस्थान है, यानी मुंबई के गोलगप्पे, मुंबई के गोलगप्पे तो आई कैन की पानी पूरी खा सकते हैं, तो माय फेवरेट एक्चुअली। ये तो आप सभी जानते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत ही बड़ा है और उसके लिए बहुत मेहनत और डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ मैंने मेहनत किया और वो मुझे जब मिला तो आई एम सो हैप्पी। एंड रिसेंटली 2022 मुझे गवर्नर अवार्ड भी मिला था, लाइक ऑल गवर्नमेंट शोज एंड ऑल। एंड सेकेंड अभी अगस्त में मेरा शो आने वाला है एंड जो कि बहुत बड़ा शो है, इज अ सोशल लाइक मॉम डैड शो। आज जो हम जो भी हैं वो अपने मदर फादर की वजह से हैं। एंड सेकेंड थिंग, साउथ के एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने साइन किए, उनके शूट अभी होने वाले हैं ऊटी एंड इजिप्ट में। यस वो मुझे गॉड ब्लेस है कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ, माय डांस इज़ अ टैंगो एंड कोलंबियन डांस जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है और आई एम जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो लाइक
my soul, my God, my everything is like, I'm happy, wow. It's my passion, you know. It's my idol is only Colombian singer Shakira. That's it. उनका जो डांस है वो बहुत ही एनर्जेटिक है एंड यू नो एक एक बॉडी की मसल्स टूट जाती है उसके अंदर और लोगों को बहुत मजा आता है और स्टेज पे लाइक बूस्ट एनर्जी सो आई एम एंजॉइंग एंड मैं और कोशिश करूंगी कि अगस्त में जो मेरा शो है तो वो पूरा टोटली डिफरेंट टाइप प्रैक्टिस उसके स्टार्ट है अभी पूरा फायर शॉट है और आप लोगों को पसंद आएगा बहुत इसके अंदर टैंगो डांस भी होता है लैटिनो भी है एंड कोलंबियन डांस है वो जंप होता है उसके अंदर सारा एंड आपकी आपको ले डाउन होके अगेन फिर से उठना है जंप करना है लिफ्टिंग है बहुत कुछ होता है बट पूरी फुली एनर्जी सो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी एंड शुक्रिया थैंक यू सो मच आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला ओए पाजी के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन और दिल्ली का स्वाद अमेजिंग तो आप क्या कहेंगे नहीं ये क्या कुछ आपके दिमाग में जहन में चल रहा था वो पॉइंट में मुंबई में लाना वो दिल्ली में तो सब देखा है मुंबई में जरा डिफिकल्ट होगा चैलेंज जी हाँ क्या कुछ कहना चाहोगे आउटलेट खोलने के पहले क्या जहन में चल रहा था हमारा मकसद यही था कि मुंबई के अंदर में दिल्ली के स्वाद की बहुत बड़ी कमतरता है बहुत बड़ी गैप है तो हमने यही देखा कि अगर हम दिल्ली का स्वाद मुंबई को खिला सकते तो वो बहुत लोगों को पसंद आएगा और वही हमने कोशिश करी है तो दिल्ली की एक डिश जो है वो चुन चुन के कहीं पहाड़ कोई पहाड़गंज का छोला भटूरा है तो कोई दिल्ली की चांदनी चौक की चाट है दही भल्ले है पालक पत्ता चाट है राम लड्डू है एक ओए पाजी समोसा करके हमने एक इनोवेटिव डिश लॉन्च करी है जो कि दिल्ली के लोगों को पता है तो वो यहाँ आके उसका स्वाद ले सकते हैं तो हमने दिल्ली का जो स्वाद है वो मुंबई करों के लिए पेश किया है मुझे लगता है कि दिल्ली करों को मुंबई के लोगों को वो बहुत पसंद आएगा और छोला भटूरा जो है उसकी बहुत तारीफ हो रही है जो भी लोग अभी तक के जिन लोगों ने ट्राई किया है उन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ख़ास तौर पे जो भटूरे हैं वो पनीर वाले भटूरे के नाम से जाना जाते हैं दिल्ली के छोले भी बनाने का तरीका उसका पेश करने का तरीका वो बहुत ही अलग है उसका प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि ये टेस्ट जो है वो मुंबई करों को मिलती नहीं है और अमित का क्या है कि अमित ने पूरा स्टडी किया है स्टडी किया है दिल्ली के डिशेस पे देन उन्होंने यहाँ पे जब ओपन करने का उन्होंने सोचा तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था इज माय नेबर तो इन्होंने बोला कि हमें सारी स्पेशल डिश को यहाँ पे लाना है और मुंबई में जो मुंबई कर रहे हैं वो इस टेस्ट का मजा लें जो दिल्ली का स्वाद है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आप देखिए खाने में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है जैसे पनीर भुर्जी पराठा भी बहुत से लोगों का फेवरेट डिश है बहुत से लोगों की करेक्ट जो रोटी पसंद करते हैं कुछ चावल के अंदर लोग पसंद करते हैं उनको राजमा चावल कड़ी पकौड़ा चावल या छोले चावल पसंद आते हैं पर अगर मैं कहूँ कि जो कॉम्बिनेशन और जो एक हीरो प्रोडक्ट है वो है छोला भटूरा और लस्सी का कॉम्बिनेशन जो मुंबई के लोगों को पसंद आ रहा है मुझे इतने दिल्ली के लोग मिले हैं जिन्होंने कहा ये सर ये छोला भटूरा और लस्सी खाने के बाद हमको दिल्ली की याद आ गई हमको चांदनी चौक की याद आ गई हमको पहाड़गंज की याद आ गई हमको हमारा बचपन याद आ गया हमको मम्मी की याद आ गई ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों ने दिए हैं तो उसकी वजह से हमको लग रहा है कि जो हमारी कोशिश थी वो रंग ला रही है कोशिश और मेहनत जी हाँ पूरे दिल्ली के ही कारीगर है क्योंकि वो स्वाद जो है उन्हीं कारीगर उनका जो रेसिपी होती है वहीं से आता है अरे हमने कोशिश की है कि जिस तरीके मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब आउटलेट के अंदर क्लीनलीनेस और हाइजीनिक इसको तरीके से पेश किया जाए और बहुत से लोग हैं जो मुंबई में काफ़ी डिस्टेंस से आ नहीं सकते तो उनके लिए हमने एक QR कोड भी जनरेट किया है इस QR कोड पे स्कैन करने से इस आउटलेट के 7 किलोमीटर के दायरे में आपको होम डिलीवरी भी मिल सकती है जी हाँ तो ये QR कोड है छोले की बात करें तो छोले भटूरे में छोले का टेस्ट अलग छोले समोसे में छोले का टेस्ट अलग जी दोनों छोले पूरी तरीके से अलग है आपने देखा होगा कि छोले भटूरे के अंदर जो छोले हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं और जो नॉर्मल छोले समोसे के अंदर जो मिलते हैं आपको
वो बड़े साइज के है तो उनको बनाने का तरीका मसाले कम्प्लीटली अलग है, उनके ऊपर डलने वाली चाट भी अलग है या उनके ऊपर डलने वाली चटनी भी अलग है, तो दोनों का स्वाद अलग है। तो ये बहुत हमने इसकी ट्रायल्स ली है, लोगों से टेस्ट करवाया है, उसके बाद जो लोगों से हमको फीडबैक मिला उस बेसिस पे हमने ये फाइनल डिश फाइनल कर ली। ये सेलिब्रिटी तो है ही, मेरी फ्रेंड भी है, डेफिनेटली मुंबई की जनता देखेगी और जो प्रचार होगा इसका ओए पाजी का वो हर घर घर तक पहुंचेगा, हर नौजवान तक पहुंचेगा, इनके पूरे जो फैंस है लाखों फैंस है उन तक भी पहुंचेगा। और ये आउटलेट हमारा गोरेगांव ईस्ट में स्टेशन रोड स्टेशन के पास में है, उद्योग भवन के सामने, और पीयू जी रहती भी है बहुत नज़दीक यहाँ से, तो उनके जानने वाले पहचानने वाले काफ़ी फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सो फाइनली अभी हम माइंड अप करेंगे। ओए पाजी। यस। हाँ, मेरा नाम चक्रेश सोलंकी है, ये हमारी फैमिली है और आज हम ओए पाजी पे आए हैं और माइंड ब्लोइंग खाना है। बिल्कुल ऐसा फीलिंग आ गई जैसे मैं दिल्ली में कहीं खड़ा हुआ हूँ और जिस टेस्ट को मैं 20 साल से मिस करता था वो आज यहाँ आके कम्प्लीट हुआ है। और मुझे लगता है कि जिसको भी दिल्ली का फ्लेवर पता है वो सभी लोग यहाँ पर आके खाने वाले और बल्ले बल्ले हो गए। मुंबई में मेरे ख्याल से सर एक आध जगह कोई होगी जहाँ पर ऐसा खाना मिलता होगा, वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं है। मेरे को लाजपत नगर की याद आई है इसको खा के। अभी छोला छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे, वो यूपी में और पंजाब उधर जो बनता दिल्ली में बहुत ही मतलब बिल्कुल वही टेस्ट था जो वहाँ का है प्रॉपर। और सभी चीज़ बहुत ही टेस्टी थी, हम बताना मुश्किल हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, यही कह सकते हैं। पीयू तो बहुत खुश है ही और उसको बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और मुझे लस्सी बहुत ही टेस्टी लगी, उसकी जो थिकनेस है मतलब इट्स वेरी थिक, वैसे अपन जनरली पीते हैं तो पतली होती है, उसमें वो स्वीटनेस उतनी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, पर ये बहुत ही बढ़िया ब्लेंड था। और छोले भटूरे तो मतलब सारा ही सब कुछ अच्छा था, पालक पत्ता चाट एंड दैट राम लड्डू, बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब हमारा वीकली ऑर्डर पक्का है यहाँ से, हर वीक में एक ऑर्डर पक्का हो गया हमारा। थ्रू हमको कहीं आने का चांस मिला और ये सब चीज़ और मतलब इट्स वेरी यम्मी, मज़ा आ गया। एक सवाल पीयू जी, बढ़ती हुई लोकप्रियता देख के आपको कैसी लगती है? मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मेरी बहन है वो और उसको इस तरह से सक्सेस की सीढ़ी पे दिन ब दिन चढ़ना, लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता और अभी पॉलिटिक्स में भी वो स्टेप रख रही है, तो उसके लिए मतलब दिल से मैं बहुत खुश हूँ और उसकी ग्रोथ देख के भी बहुत खुश हूँ। हमेशा यही चाहती हूँ इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, आप लोगों का उसको प्यार मिलता रहे और वो दुनिया को प्यार देती रहे।